नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल RB लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फाजिल्का जिला के गांव अचक्की से विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के बॉर्डर पर चिपते पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव अचक्की में रोजाना 30 से 40 हजार लोग लंबी लाइनों में खड़े रहकर एक 4 साल के चमत्कारी बाबा के दर्शन का इंतजार करते हैं। गाँव में रोजाना ही मेला भर रहा है। कहा जा रहा है कि यह बालक जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देता है वो सभी रोग से मुक्त हो जाता है। इस तरह का दावा गांव के लोग कर रहे हैं। यह आस्था है या अंधविश्वास, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रोजाना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से वाहन भर भर कर हजारों लोग इस गांव में बाबा से आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। तो इस मसले में मैं ये सिर्फ लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि आज के इस युग में आप ऐसी बातें जो हैं इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। कोई सिर पे हाथ लगाने से जो गंभीर जो बीमारियां हैं वो ठीक नहीं होती। आप डॉक्टर को दिखाइए। अचक्की गांव में रोजाना 30 से 40 हजार लोग सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक लंबी लाइनों में लगे नजर आते हैं। उनके मन की आस होती है कि 4 वर्ष के बालक वीरेंद्र दीप सिंह के दर्शन करने की। बालक को चमत्कारी बताया जा रहा है। उसके चमत्कार से हजारों लोगों को ठीक होने के दावे भी हो रहे हैं। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, किंतु जो व्यक्ति गुरुवार से लेकर सोमवार तक अचक्की गांव में जाता है वो देखता है कि हजारों की संख्या में दोपहिया, चौपहिया व कर्मशील वाहन खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी शक्तिपीठ पर दर्शनार्थ के लिए लोग आए हों। गाँव वासियों का कहना है कि 4 साल का वीरेंद्र दीप सिंह चमत्कारी बालक है। यह बालक जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देता है उसके दशकों पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। सामने देखण दी गल है जी, जिन्हां नूं आराम आया, खास करके कैंसर दे मरीज जो कि दस रहे ने भी जिवें साडी उम्मीद नहीं सी बचण दी, डॉक्टरां ने जवाब दे दित्ता सी बिल्कुल, तां असीं भी बच चुके हां। ते इत्थे कल भी 2 मरीज देखे सी मैं अपनी अखां नाल, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੀਬਨ 3 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਥਾ, ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਵੋ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਵ ਕਾ ਹੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਸ ਰੋਗ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਾ, ਵੋ ਵੀ ਬਾਲਕ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਔਰ ਜਬ ਬਾਲਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੀਪ ਨੇ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਤੋ ਉਸਕਾ ਰੋਗ ਜੜ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। इसी तरह गांव के शुगर, हाई बीपी सहित अन्य तरह के गंभीर रोगों से पीड़ित लोग भी मिले। संवाददाता के साथ बातचीत करते हुए इन गांव वासियों ने बताया कि उनके नजदीकी मित्र, रिश्तेदार भी धीरे धीरे बालक के चमत्कार की बात सुनकर आने लगे। उनके रोग भी जब दूर होने लगे तो कुछ ही दिनों में यह बालक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। गाँव वासियों का कहना है कि सुबह से ही लाइन लग जाती है। गंगानगर से रख जाना 30 हजार रूपए का पेयजल मंगवाना पड़ता है, जो वहां आने वाले दर्शनार्थियों को निःशुल्क पिलाया जाता है। बहुत है कि कई बंदे ठीक हुए ने, सानू भी उन्होंने राह पाया सी ताई सिद्ध है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं कि पूरे गांव को छांव के लिए टेंट से ढक दिया गया है ताकि किसी को तेज धूप से परेशानी नहीं हो। गांव में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग से ही लाइन आरंभ होती है और गांव के अंत में गुरुद्वारा साहिब के पास बाबा वीरेंद्र दीप के घर के पास समाप्त होती है। सड़क के दोनों तरफ महिला एवं पुरुष की अलग अलग लाइन लगाई जाती है। पूरा गांव निस्वार्थ रूप से संगत की सेवा में पूरे दिन जुटा रहता है। संवाददाता के साथ कुछ लोगों ने बातचीत भी की। बातचीत में इन लोगों का कहना था कि 5 बार बाबा जी के दर्शन करने से उनके रोग ठीक हुए हैं। अचक्की गांव को तलाश करना आम व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के लिए कई गांवों की लिंक रोड को पार करना पड़ता है। अचक्की गांव श्रीगंगानगर बॉर्डर से कुछ दूरी पर है। इसके लिए साधु शहर रोड के गांव चक अबोहरिया से लिंक रोड अचक्की गांव तक जाती है। वहीं अबोहर मार्ग पर कल्लरखेड़ा गांव से एक लिंक रोड भी इस गांव को जोड़ती है। अचक्की गांव का रास्ता पूछने का अर्थ अब बाबा वीरेंद्र दीप के निवास पर जाने का हो गया है। इत्थे लोकां दी श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोग आपो अपने पक्ष तो देखते हैं, पर जिहड़ा पक्ष मैं देखा भी इन्हें लोगों का इत्थे 20 तों 25 हजार का इकट्ठा होना, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ,
बड़ी आस्था लेके आउंदे आ लोग ते पिंड दे लोग है इन्ना क प्रबंध भी घट होने के बावजूद भी बहुत वधिया सुचजे ढंग नाल सारा पिंड इस जिहड़े है स्थान ते बाबे दे दरबार ते सेवा करदा है। कचरकी में बाबा वीरेंद्र दीप के चमत्कार की खबर सुनकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के दूर दराज से हजारों लोग पहुंच रहे हैं। कचरकी एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी करीबन 2200 है। इस गांव में कोई धर्मशाला नहीं है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। 4 वर्षीय बाबा वीरेंद्र दीप के सेवादारों का कहना है कि किसी भी रोग के लिए बाबा के दर्शन मात्र काफी है, किंतु पूर्णतः ठीक होने के लिए 5 बार बाबा के निवास पर धूप लगानी होती है। गांव वासियों के अनुसार गांव में धर्मशाला नहीं होने के कारण लोग श्रीगंगानगर पर विश्राम कर दूसरे दिन दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए कोई फीस, शुल्क, जाति भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाबा जी के दर्शन कर सकता है। गांव में होटल रेस्टा की व्यवस्था नहीं है, किंतु कुछ गांव के लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों की परेशानी को देखते हुए जंक फूड, पकौड़े आदि की स्टाले लगाई हैं। इससे व्यक्ति को भूख से राहत मिल जाती है। 4 वर्षीय चमत्कारी बालक वीरेंद्र दीप ने जब चमत्कार दिखाने आरंभ किए तो उस समय उसके घर पर संगत के बैठने के लिए पंडाल वगैरह नहीं था। गर्मी में लोगों की परेशानी को देखते हुए अब जन सहयोग से एक विशाल पंडाल का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोग चमत्कारी बालक के दर्शन कर सके। सर उन्होंने खेड़ते फिरते उन्होंने थौला पाता वो जी ठीक हो गए। मामी आए सी उन्होंने पैर के उपर गंढ सी, फिर उन्होंने पैर के उत्ते थौला पाया जी उन्होंने, फिर वो सही हुए। सर गंगानगर जाके उन्होंने एक बंदा सीगा जी, उन्होंने दवाई ली सी बहुत थावां तो जी, उन्होंने पैर बहुत ज़्यादा खराब सी, उन्होंने पैरों चो लत्तों के खून सिंदा सीगा, उन्हें उन्होंने आख्या सीगा जी जाके भी तुसी उत्थे जाओ मैनु फायदा होया। मुड़ के सर वो बंदा इत्थे आया, उन्होंने आके इत्थे थौली पवाई जी, तो उन्होंने जाके फिर जो सही हो गई उन्होंने लत्तां जी, उन्होंने जाके लोगों को फिर गांह ज़्यादा दसा जी। उस तो बाद लोग हौली हौली आने लग गए जी, फिर किसी ने जी वीडियो कॉल बना ली, किसी ने फोटो बना के जी और नेट ते चढ़ाती। मेरे डैडी तो अमृतधारी है जी, मेरी मम्मी भी अमृतधारी बंदे है जी, सारा परिवार साडा शुरू तो जी मेरे दादे पड़दादे तो वैष्णो परिवार है जी। असी तो 10 गुरुआं नूं असी घर जोत लाई दी जी, धूफ बत्ती करदे हां जी। बच्चे नूं एक दो वारी असी पुछिया जी, बच्चा इन्ना कह दिंदा जी मेरा गुरु मेरे कोल आउंदा ते मेरे कोल जांदा, गुरु दा नाम नहीं जी उन्होंने दस्सिया सानूं। असीं तां सारे ही करदे जी, लोग ठीक हुंदे जी, असीं लोकां दी सेवा करदे रहिए जी, भला हुंदा जी किसे दा होए जी, सानूं कोई इहो जिहा लैण देण दा कोई लालच। 4 वर्षीय चमत्कारी बालक वीरेंद्र दीप सिंह पुत्र सेवक सिंह से आस पास गाँवों के लोग भी निरोगी होने लगे तो उनकी चमत्कार की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हजारों लोगों की भीड़ और उसमें 4 वर्ष का बालक लोगों को आशीर्वाद दे रहा था तो लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। चमत्कारी बालक अब देश की सुर्खियां बनने लगा है। RB लाइव मीडिया के लिए अबोहर से अनिकेत भारद्वाज के साथ रूपेश बंसल की रिपोर्ट।